हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट में। स्वागत है आपके अपने चैनल सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट में। आपको सभी एजुकेशनल वीडियोस इस चैनल पर उपलब्ध है। क्लास फर्स्ट से लेकर और टेंथ तक इंपॉर्टेंट वीडियोस न्यूज आएंगी और सेवन्थ और एट्थ का सीरियल चल रहा है फ्रेंड्स, तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यदि आपको एमपी बोर्ड एग्ज़ाम प्रमोट करने में होगा या आंतरिक मूल्यांकन करेगा तो कैसे, मतलब उसका क्या शेड्यूल रहेगा, क्या उसका क्रिटेरियन रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्रिटेरियन उनका क्या रहेगा, तो हाफ ईयरली का रिजल्ट और रिवीजन टेस्ट दोनों का रिजल्ट बनाकर वो रिजल्ट तैयार करेंगे। यदि वह जो है तो जून में परीक्षण नहीं लेते हैं अगर कोरोना की स्थिति बिगड़ जाती है, तो यदि लेंगे तो वार्षिक परीक्षा का ही रिजल्ट जुड़ेगा। यदि नहीं लेंगे आंतरिक मूल्यांकन होगा, 90% चांस है कि आंतरिक मूल्यांकन हो, तो उसके लिए जो है तो अभी तक तो कोई ऑफिशियली आदेश आया नहीं कि होगा आंतरिक मूल्यांकन, बट हो सकता है कि हो। यदि होगा तो हाफ ईयरली और रिवीजन टेस्ट दोनों को जोड़कर जो है तो आपका रिजल्ट बनाया जाएगा। तो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया, यहाँ पे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अच्छे से पढ़ाई करें घर में। यहाँ पे मध्य प्रदेश दसवीं की परीक्षाएँ एवं नहीं होंगी, यहाँ पे न्यूज़पेपर में तो आया है, बाकी ऑफिशियली नहीं आया है। यहाँ पे सीबीएसई की तरह मध्य प्रदेश बोर्ड भी दसवीं को परीक्षा आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर करना चाहता है। यहाँ पे इंद्र सिंह परमार ने भी ऐसा कुछ आदेश दिया था, बट अभी ऑफिशियली नहीं आया, तो आप ना माने ज़्यादा सही होगा, और जब तक ऑफिशियली आ जाएगा कुछ दिन में तो आप मान सकते हैं। और रिवीजन टेस्ट हाफ ईयरली फ्रेंड्स अगर दिए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अच्छे नंबरों से आप पास होंगे, अच्छे नंबर गेन करेंगे। यहाँ पे पढ़ लीजिए क्या है, और यहाँ पे बस यही बताया गया है कि रिवीजन टेस्ट और हाफ ईयरली के आधार पर आपका होगा। तो ये मैंने आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन जो भी मेरे पास थी तो मैं दे चुका हूँ। तो अगले वीडियो के लिए मिलते हैं, और जय हिंद, तब तक के लिए अच्छे से रहें।